पूंछ में ताइक्वांडो मैच आयोजित एसीटी पूंछ रहे मुख्य अतिथि संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। ताइक्वांडो की प्लेयर हूँ। आज यहाँ पे पुंछलिंगम डे के लिए यहाँ पे आर्मी वालों ने यहाँ पे एक ताइक्वांडो की चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज़ करवाई। यहाँ पे हमारे पुंछ एकेडमी के ताइक्वांडो के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे 200 से 300 बॉयज़ यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और आज ही हमने यहाँ पे ओपनिंग करवाई है और जितने भी आर्मी वाले हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं ये कहना चाहिए आर्मी वालों का थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। दो मिनट तोसीफ। आज जो टूर्नामेंट की यहाँ ओपनिंग हुई है, ये टूर्नामेंट इंडियन आर्मी पुंछ ब्रिगेड द्वारा करवाया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ 77th पुंछ लिंक अप डे। ये टूर्नामेंट पूरा इंडियन आर्मी द्वारा स्पॉन्सर है और तकरीबन 200 बच्चा ताइक्वांडो का इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगा और 3 दिन अपना दमखम दिखाएगा। आज इसकी ओपनिंग हुई है और 3 को इसकी क्लोजिंग है शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल बॉयज़ हाई सेकेंडरी ग्राउंड में, जो कि हमारा एक मेगा फंक्शन है, बहुत बड़ा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वहाँ। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म दिया है हमारे बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। इन्हीं टूर्नामेंट से हमारे बच्चे सीखते हैं और आगे जाके नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर परफॉर्म करते हैं। मैं एक बार फिर इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे ताइक्वांडो के बच्चों को हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारा ताइक्वांडो कंपटीशन करवा के दिया। थैंक्स टू इंडियन आर्मी। जी, आज यहाँ मैं इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। यहाँ ये ताइक्वांडो जो है चैम्पियनशिप जो है वो चल रही है, तो उसमें जो है काफ़ी बच्चों का मैंने उसको देखा, काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ हाज़िर हैं और बच्चे जो हैं हमने 2-3 जो है इनकी वो क्या कहते हैं ड्यूल्स भी देखी हैं, तो बच्चे काफ़ी ट्रेंड हैं। यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये गेम्स जो हैं ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होती हैं। गेम्स जो है गुड बॉडी जो होती है फिजिकली फिट होती है, हेल्थी बॉडी एज ए हेल्थी माइंड। तो बच्चों में एक रुझान आता है, बुराई से बचते हैं, ड्रग्स से नहीं जाते हैं और बच्चों का कंपटीशन जो है करने का इसमें वो जज्बा आता है और बच्चे जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे के साथ, जो काम खारपनी बनी रहती है। तो गेम्स के बड़े फ़ायदे होते हैं। तो ये चैम्पियनशिप जो रखी है इधर ये बहुत अच्छी है। यहाँ इन्होंने पहले भी काफ़ी अचीवमेंट की है और यहाँ इंडियन आर्मी का बहुत अहम किरदार है जिन्होंने इस चैम्पियन को रखने में यहाँ ये रखी है। तो मेरा जो है शुभकामनाएं इनके साथ हैं, तो ताकि यहाँ से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसके साथ जुड़ें और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम, पुंछ का नाम।